हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता की तो यही समस्या है कि भाई हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं जनता के बीच में हमको मिल रहा है सुनने को। कहीं स्वास्थ्य के विभाग में स्वास्थ्यालय नहीं है, या शिक्षा में भी समस्याएं हैं, या रोडों की समस्याएं हैं, या जल नल तालाब जो भी ऐसे काफ़ी मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए क्षेत्र को, उस आधार पर हम राजनीति के तौर पर ये करना चाहते हैं। स्वागत है आपका एमपी तक पर, और मैं हूं पवन शर्मा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर इस समय बाई इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस ने यहां से धीरन शाह को चुनाव मैदान में उतारा है और बीजेपी ने कमलेश शाह को चुनाव मैदान में उतार कर आमने सामने की लड़ाई कर दी है। दादा जो है सुखराम दास जी, उनके बेटे धीरन शाह हैं जो एमपी तक पर मौजूद हैं, और इनका लगातार दरबार जो दादा धूनी वाले के नाम से चलता है उसमें छोटे महाराज के नाम से जाने जाते हैं। धीरन शाह जी, आपका स्वागत है एमपी तक पर। जी जी जी। आप चुनाव मैदान में हैं, क्या राजनीति आप पहले नहीं और अब राजनीति में, तो कैसा क्या? जी, मैं पहले तो राजनीति में नहीं था, धर्म नीति से ही लोगों की जनसेवा करते चले आ रहे हैं। हमारा पूर्वज ही जनसेवा करते चला आ रहा है और हमेशा करता रहेगा जी। बस जैसे कि आज जो हम देख रहे हैं लोकतंत्र की जो समस्या जो है, लोकतंत्र कह जाए कि लोकतंत्र का जो हत्या की जा रही है मान के लो लोकतंत्र की, उस आधार पे हम क्षेत्रों में भ्रमण किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कहीं स्वास्थ्य के विभाग में स्वास्थ्यालय नहीं है, या शिक्षा में भी समस्याएं हैं, या रोडों की समस्याएं हैं, या जल नल तालाब जो भी ऐसे काफ़ी मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए क्षेत्र को, उस आधार पे हम राजनीति के तौर पर ये करना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और अगेंस्ट में देखा जाए तो कांग्रेस ही रही है इसमें, और राजा कमलेश शाह भी यही कांग्रेस में थे और फिर बीजेपी में आ गए। सिर्फ वो चाह रहे थे कि विकास हो और इसलिए आ गए, ऐसा कहना है उनका। तो कहीं ना कहीं आप सरकार में रहते तो विकास होता, या जीतने के बाद फिर आप विकास कर पाएंगे, सरकार कैसे देखते हैं आप इस चीज़? जी देखिए, जैसा कि भाई अपन वो सरकार में भी हैं तो भी उससे भी कर सकते हैं, बदलना ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बदलने के बाद में ही अपन विकास कर सकते हैं। इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए उसको करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि भाई हम पार्टी बदलेंगे तभी अपन क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपन एक ही पार्टी में रहकर भी उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बस अपने उसमें अपने उसमें रहना चाहिए कि भाई हम उसको काम कोई से भी पार्टी से कर सकते हैं। ये आप अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जी प्रचार में? हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता की तो यही समस्या है कि भाई हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं जनता के बीच में हमको मिल रहा है सुनने को। ये अभी कमलेश शाह 3 बार के विधायक हैं, लगातार उनके माता पिता भी राजनीति में रहे हैं, एक नाम है उनका इस क्षेत्र में जी। और साथ में ये सीट जो है वो गोंडवाना को भी चली गई थी जी, विधायक मनमोहन सिंह बट्टी भी रहे हुए हैं जी, जी, जी। तो ये यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया आपको टिकट देकर जी, तो कैसे देखते, क्या चुनौतियाँ रहेंगी आपको इन लोगों के बीच में? ये सब तो चुनौतियाँ जनता के ऊपर हैं, और जनता को जो मतलब उचित लगता है वही है, बाकी तो सब। अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा क्या माहौल है आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है? या जनता के बीच में तो रुझाव दिख रहा है अपने ही तरफ में, बट बाकी समय के आधार पर। जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए तो समय ही बता पाएगा। मुस्कान लग रही है कि आगे जीत पक्की है, है? जी जी जी, बोलो दादा धूनी वाले की जय। ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह जी जो एमपी तक से बात कर रहे थे। आप देखते रहिए एमपी तक, मैं हूं पवन शर्मा, छिंदवाड़ा।